जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं अगर आप और छत्तीसगढ़ के ताजा समाचार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है नौतपा की ही शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी उड़ी। इधर गोरेला पेंड्रा मरवाही और रायपुर की बात कहें तो तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध नौतपा की शुरुआत से ही आंधी पानी से हुई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बात करें तो बीते दिन तेज भरी आंधी और अंधड़ चले। वही पेंड्रा रोड में भी तेज बरसात रिकॉर्ड की गई है। इधर रायपुर में भी हल्की बरसात हुई है और नौतपा की शुरुआत जो है इसके पहले दिन से हुई थी और पहले दिन ही कोंडागांव, मनोरा, भैयाथान, कुनकुरी, जसपुर, तपकरा, दुलदुला, उदयपुर, इसके अलावा रामानुजनगर, ओड़की, लखनपुर और बस्तर क्षेत्रों में 1 से 4 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन अमरकंटक, पेंड्रा, मरवाही क्षेत्र में भी तेज हवाओं के साथ मौसम बदला। धूल भरी हवाओं का वेग इतना तेज था कि कई जगहों पर पेड़ टूट करके बिखरे दिखाई दिए। साथ ही साथ इसकी वजह से बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा बात करें तो जसपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा में भी अंधड़ की खबर है। बिलासपुर में भी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है और तेज धूल भरी आंधियां भी चली हैं और राह चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इसकी वजह से करना पड़ा। अलग अलग क्षेत्रों में भी बादलों की गरज चमक के साथ बूंदाबांदी जारी रही। इधर मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो अभी भी जो है एक दो स्थानों पर प्रदेश में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड बने रहने की संभावना अब भी जारी है। गर्मी थोड़ी सी बढ़ी लेकिन अभी भी सामान्य से कम तापमान हो चुका है इस बारिश के चलते। जाति प्रमाण पत्र के लिए अब स्कूलों में शिविर का आयोजन होगा। सरकार ने कचहरी का चक्कर लगाने से छुट्टी दी है और स्कूल खुलते ही अभियान शुरू होने वाला है। स्कूली विद्यार्थियों को इस साल जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारी और फिर कचहरी का चक्कर लगाने से छुट्टी मिलेगी। सरकार ने इसके लिए स्कूलों में ही शिविर लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। स्कूल खुलते ही यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने विशेष अभियान के तहत शिविर लगाकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को स्कूल में ही स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित करने का निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इसके लिए पत्र निर्देशित कर दिया है। पत्र में यह कई बातों का ध्यान लाया गया है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त किए जाने में कठिनाई न हो इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया है, जिसके कारण इन वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने में प्राप्त हो रही दिक्कतों के लिए सामना न करना पड़े। ऐसे शिविर प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूलों, साथ ही साथ केंद्रीय बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए लगाए जाएंगे। सरकार ने कलेक्टरों से विद्यार्थियों को उनके स्कूलों में पढ़ाई के दौरान ही ये प्रमाण पत्र बनाकर उपलब्ध कराने को कहा है। अब मिलेगा फ्री वाईफाई इंटरनेट। छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है पीएम वाणी योजना। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में पीएम वाणी योजना की शुरुआत हो गई है। पीएम वाणी यानी कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव योजना के तहत सरकार सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराएगी, जिसके चलते देश भर में जनता को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलने वाली है। राज्य में 1600 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं, साथ ही पब्लिक डेटा ऑफिस की भी शुरुआत हो चुकी है जो इंटरनेट यूजर्स के लिए काफी अहम मुद्दा साबित होगा। पीडीओ की शुरुआत यानी कि यहां पर बात करें तो जो डेटा ऑफिस है, पब्लिक डेटा ऑफिस, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पीडीओ की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत रायपुर और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन से किया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसे शहरों में भी लागू किया जाएगा। पीडीओ यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस की शुरुआत को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने ड्यूटी और लाइसेंस फी को माफ कर दिया है, मतलब बिना किसी चार्ज के कोई भी पीडीओ खोल सकता है। इससे बेरोजगार युवाओं को भी स्वरोजगार मिलने वाला है।
भैंस गांव में मुख्यमंत्री की जन चौपाल सामने आ रही है। बिजली से लेकर के सड़क से लेकर के स्कूलों को बेहतर करने की घोषणाएं हुई है। बच्ची के कहने पर रस्सी भी कूदी है। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के भैंसपाल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस गांव में अपनी जन चौपाल लगाई। यहां के ग्रामीणों से वे सीधे मुखातिब हुए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बिजली सड़क से लेकर के स्कूल के उन्नयन करने की भी घोषणा की। खिलाड़ियों की मांग पर मिनी स्टेडियम बनाने का भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया है। जगदलपुर में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री भैंस गांव पहुंचे। भैंस गांव स्थित रूपशिला माता मंदिर यानी कि देवगुड़ी के मरम्मत का कार्य भूमि पूजन किया। साथ ही देवगुड़ी में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। देवगुड़ी स्थल पर कदम का पौधा भी लगाया। इसके अलावा बात करें तो कई सारी यहाँ पर जो घोषणाएं हैं वो भी यहाँ पर हुई हैं। और अब बात कर लेते हैं नगरीय निकायों की संपत्ति को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। निगम से लेकर पालिका और नगर पंचायत की संपत्तियों की बिक्री व वेस प्राइस अब कलेक्टर जो है तय करने वाले हैं। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय की संपत्तियों को लेकर के बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अचल संपत्तियों की बिक्री करने के अधिकार मंत्रालय से लेकर कलेक्टरों को सौंप दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक नगर निगमों में 10 करोड़, नगर पालिकाओं में 4 करोड़ और नगर पंचायतों में 1.5 करोड़ तक की संपत्तियों का फैसला अब कलेक्टर कर सकेंगे। इसके लिए जिला कार्यालय में एक नोडल अफसर भी नियुक्त किया जाएगा, जो नस्तियों का परीक्षण कर अनुमोदन के लिए जिला कलेक्टर को पेश करेगा। नए निर्णय के अनुसार राजधानी रायपुर समेत कई छोटे बड़े नगरों से बिक्री के इंतजार में पड़ी दुकानों की नीलामी हो सकेगी। इससे निकायों को एक अच्छी आय बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। खास बात यह है कि इस तरह का अधिकार शासन ने पहली बार रायपुर कलेक्टर को गोल बाजार के संबंध में जारी किया था, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक नगरी निकाय अपनी प्रॉपर्टियों पर दुकानें आदि बनाकर इसे बेचने के लिए बेस प्राइस तय करते थे। जैसे किसी दुकान की कीमत 30 लाख तय की गई। शिक्षक के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं और इसके लिए आपको कोई भी परीक्षा नहीं देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर सीधी भर्ती होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक अवसर आया है। राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्त पदों पर आवेदकों को चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दरअसल जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 27 पदों पर भर्ती होनी है। रिक्त पदों पर भर्ती मानपुर मोहला और पेंड्री स्कूलों के लिए की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि ये रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है। रिक्त पदों के लिए 28 मई तक जो है इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री के लिए 6 पद, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर के लिए 10 पद, जबकि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला के लिए 11 पद यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं। ट्रेनें बंद होने से लगातार सड़कों पर जो है आम आदमी उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि इन स्थापित किए गए ट्रेनों को वापस से जो है दोबारा पटरी पर लाया जाए। मुंह पर काली पट्टी बांध करके नेता प्रतिपक्ष का आवाज घेराव किया जा रहा है और लगातार पूछा जा रहा है कि आखिरकार भाजपा नेता इस पर मौन क्यों है। बिलासपुर में रेल बंदी को लेकर के लगातार रेलवे प्रशासन के रवैये और मनमानी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र युवा नागरिक रेलवे जोन संघर्ष समिति के विरोध प्रदर्शन के बाद अब जिला कांग्रेस कमेटी ने भी इसका विरोध पर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बात करें तो कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मुंह में काली पट्टी बांधकर बिल्हा विधायक और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के निवास का घेराव कर बेजुबान प्रदर्शन किया है। दोपहर में आंधी और बारिश के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेसी व स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से कहा कि लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, वहीं छोटे स्टेशनों में ट्रेनों के स्टॉपेज को भी खत्म कर दिए गए हैं। इसके बावजूद बीजेपी के नेता आखिरकार क्यों खामोश है, इसका जवाब इनको अवश्य ही देना चाहिए। एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आ रही है, बिजली गिरने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। प्रदेश में आकाशीय बिजली के 15,33,000 मामले अब तक रिकॉर्ड किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल यानी कि 2020 और 2021 के दौरान आकाशीय बिजली के 15,33,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले वर्षों में बिजली गिरने की जितनी घटनाएँ होती रही हैं, देश में वह 91% तक बढ़ गई हैं, यानी कि लगभग दोगुनी हो गई हैं। दोगुने से हालांकि थोड़ा
कम है। वही प्रदेश में मौसम विभाग हर 250 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को एक सिस्टम के माध्यम से मॉनिटर करता है। इस सिस्टम के अनुसार मॉनसून से कुछ पहले और इसके लौटने के कुछ दिन बाद के पीरियड में ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। यही नहीं, पिछले 10 साल में प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से 2000 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत मानसूनी सीजन में मौसमों के बिगड़ने पर पेड़ों के नीचे या आसपास खड़े होने के कारण हुई है। फिलहाल इस वक्त जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो NDRF की तरफ से जारी किया गया है, और कहीं पर भी अगर आप खुले स्थान पर हैं और वहां बिजली गिरने की संभावना अगर बन रही है तो आप इस प्रकार के जो भी कार्यवाही है इनको कर करके आप अपनी जान को बचा सकते हैं। बिजली विभाग के मामले में पड़ोसी राज्य उड़ीसा इस मामले में देश में टॉप पर है। इसके अलावा बात करें तो उड़ीसा में इसी अवधि यानी कि पिछले 2 साल में 20,43,000 बार बिजली गिरी हुई है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है जहां 17,10,000 बार बिजली गिरने के मामले रिकॉर्ड हुए हैं। एक और एक्सक्लूसिव खबर है, लगातार 10वीं बोर्ड के टॉपरों की संख्या बढ़ सकती है। 100 से ज्यादा 4 से 5 नंबरों से चूके हुए हैं जो कि रीवैल्यूएशन कराने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित किए गए बोर्ड परीक्षाओं में इस बार 71 छात्रों ने टॉप 10 की मेरिट में जगह बनाई है। इस लिस्ट में कुछ और छात्रों के नाम जुड़ सकते हैं, वह इसलिए क्योंकि इस बार तकरीबन 4,500 छात्रों को 90% या उससे अधिक नंबर मिले हैं। 100 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो फिर 4 से 5 नंबर के मामूली अंतर से टॉप 10 की लिस्ट में आने से चूक गए हैं। रीवैल और रीटोटलिंग के बाद नंबर बढ़ते हैं तो एक बार फिर से छात्र भी मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि दोबारा मूल्यांकन के बाद कई छात्रों के नंबर बढ़े हैं, इसीलिए भी छात्र लगातार रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग के लिए लगातार आवेदन भी कर रहे हैं। 10वीं बोर्ड में 71 छात्र मेरिट में शामिल है। मेरिट में पहले स्थान पर आने वाले छात्रों को 592 नंबर यानी कि 98.67% नंबर मिले हैं, जबकि मेरिट में 10वें स्थान पर कुल 17 छात्र हैं। इन छात्रों को 581 नंबर यानी कि 96.83% नंबर मिले हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार 10वीं में तकरीबन 4,500 छात्रों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किया है। इनमें से 100 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो 96% और 97% के बीच हैं, यानी कि कुछ नंबरों से वे मेरिट में आने से जगह नहीं बना पाए हैं। इस बार एयरबस पर जो है सरकार सवार होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नई हेलीकॉप्टर खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। बजट में लाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। छत्तीसगढ़ सरकार का इकलौता हेलीकॉप्टर AW-109 पावर क्रैश हो चुका है। ऐसे में सरकार अपने बेड़े में एक नया हेलीकॉप्टर शामिल करने की तैयारी में है। इस बार सरकार की निगाह मध्यम श्रेणी के एयरबस हेलीकॉप्टर पर है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस हेलीकॉप्टर की खरीदी प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर सकती है। सरकार ने उच्च पदस्थ सूत्रों से कहना है कि सरकारी बेड़े में नए हेलीकॉप्टर की जरूरत डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए ही महसूस की जाने लगी थी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदी विवाद की वजह से तत्कालीन सरकार नए सौदों से हिचकती रही थी। अब जब कोई हेलीकॉप्टर नहीं बचा है सरकार के पास तो दूसरा कोई चारा भी उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक किराए का हेलीकॉप्टर अधिक महंगा पड़ सकता है, इसलिए सरकारी बेड़े में खुद का हेलीकॉप्टर रखना ही एक किफायती और सुरक्षित माध्यम है। विमानन विभाग पर नए हेलीकॉप्टर को पहले बड़ा चाहता है। ऐसे में बात करें तो इसकी वजह से उनकी निगाह अब एयरबस का H-155 मॉडल पर है। मध्यम श्रेणी के इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट के साथ 15 सीटें भी उपलब्ध हैं। अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव में लेट लतीफी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 दिन में संगठन में सभी पदों पर नियुक्ति का टास्क है, जबकि ब्लॉक अध्यक्ष की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। AICC ने प्रदेश के कांग्रेस को संगठन के सभी पदों पर भरने के लिए 100 दिन का वक्त दिया है। संगठन चुनाव के कार्यक्रम फरवरी 2022 में जारी किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक 31 मई तक ब्लॉक के अध्यक्षों के चुनाव हो जाने थे, लेकिन अभी तक ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के लिए BRO की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है, यानी कि ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में कांग्रेस का चिंतन शिविर कुछ दिन पहले ही उदयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें भी कई अहम मुद्दों को लेकर के अलावा संगठन के सभी पदों को भरने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। PCC के जो सूत्र हैं इनका कहना है कि सदस्यता अभियान 15 दिन बढ़ाए जाने के कारण यह डिले हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि समय पर सभी चुनाव करा लिए जाएंगे। और कहा जा रहा है कि 25 मई तक सभी ब्लॉकों के चुनाव
चुनाव के लिए बीआरओ की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।